अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे रसमलाई मिल्क पाउडर से। कुछ टिप्स हैं जो कि आज मैं आपको दूंगी, तो आप इसको एज इट इज़ फॉलो करें। पूरी वीडियो आप देख लें और आप इसको एज इट इज़ फॉलो करें तो आपकी रसमलाई अच्छी बनेगी और बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। इसके लिए सबसे पहले हमें फुल फैट मिल्क दूध यानी कि दूध चाहिए। 1.5 लीटर में यहाँ पर फुल फैट मिल्क ले रही हूँ और इसे उबाल आने तक हम पकाएंगे। बीच में से ऐसे स्टर करते जाएंगे। जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैं यहाँ पे 1/3 कप इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इलायची पाउडर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून। सिंपल आप इलायची पीस कर इसमें शामिल कर सकती हैं। अब हम इसे पकाएंगे लो हीट पर 10 मिनट के लिए। और अब हम अपने बॉल्स बनाएंगे। मिल्क पाउडर के जो बॉल्स होते हैं वो हम बनाएंगे। इसके लिए हमें फुल फैट मिल्क चाहिए 1 कप भर के। इस तरह लेवल्ड हम ले लेंगे। 1 टीस्पून लेवल्ड हम बेकिंग पाउडर लेंगे। मेक श्योर कि ये आपके जो मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट हो। 1 टीस्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, ऑल पर्पस फ्लावर। 1 टीस्पून ही हम इसमें सूजी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखें कि मेजरमेंट्स के लिए आप इसको लेवल करें, यानी कि जो चम्मच में आप लें तो उसको आप छुरी की मदद से लेवल करके इसमें ऐड कर लें। इस तरह अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। याद रखें कि घी आपने ऐड नहीं करना, ऑयल ही ऐड करना है। एक अंडा लेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और इसे हम अच्छे से फेंट कर साइड पर रखेंगे। ऑयल को हम मिक्सचर में इस अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके अंडा शामिल करके इसे गूंथते जाएंगे। याद रखें एकदम से आपने इसमें सारे का सारा अंडा ऐड नहीं करना, पहले आप थोड़ा सा ऐड करें और उसे अच्छे से इस तरह करके मिक्स करें। अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें अंडा ऐड करें, इस तरह करके आप इसे गूंथते जाएं। आटा हमारा इस तरह होना चाहिए जैसा कि हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं, तो उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए लेकिन स्मूथ होना चाहिए। मेरा यहाँ पे पूरा अंडा इसमें यूज़ नहीं हुआ, थोड़ा सा मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून बच गया है अंडा। और इस तरह करके आप देख सकती हैं कि स्मूथ सा डो हमारा बनना चाहिए। ये हमारा स्मूथ सा डो बन के तैयार हो गया है और अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। डो को आपने बना के रखना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ही आपका डो तैयार हो जाए हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपकना चाहिए। इस तरह करके अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। आपने डो को बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना। जैसे ही आपका डो बन जाए, हाथ पर नहीं चिपक रहा हो, तो आप इस तरह करके इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें या फिर ओवल शेप में। बिना क्रैक्स के आपने बनाने हैं, इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। और बॉल्स को भी आपने इस तरह करके दबा लेना है। बॉल्स को भी हम रूम टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। जैसे ही हम बॉल्स बनाएंगे तो एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे, यानी कि आप एक एक बॉल बनाएं और इस तरह करके आप दूध में डालते जाएं। जो मिक्सर है उसे साइड पे रखते हैं और उसी से एक एक बॉल बनाकर इमीडिएटली आप इसमें डालते जाएं। बिल्कुल भी अपने साइड पे नहीं रखना वरना बॉल्स आपके सख्त हो जाएंगे और इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। इस तरह करके हम इसमें एक एक बॉल डालते जाएंगे और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकती हैं। अगर आप दरमियाने साइज़ के बनाएंगे तो 10 से 15 मिनट में ही कुक हो जाएंगे। इस तरह एक उबाल आने तक हम इसे पहले पकाएंगे। एक उबाल आ चुका है, अब हम इसे इस तरह करके किसी कपड़े की मदद से देचकी को पकड़ेंगे, हल्का हल्का सा ऐसे इसको घुमाएंगे। चम्मच आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं चलाना। पहले के 10 मिनट हम इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के लिए आपने इसे पका लेना है लो आंच पर, बिल्कुल लो आंच पर आपने इसे 10 मिनट के लिए पका लेना है। और इसके बाद आप इसे चेक कर सकती हैं। अगर एक छोटा सा बॉल आप उठा के देख लें, अगर ये कुक ना हुआ हो, इसके कुक होने की निशानी ये है कि ये बीच तक बिल्कुल ही वाइट हो चुका होगा। अगर इसके बीच में थोड़ा सा भी येलो कलर आपको नज़र आ रहा हो तो इट मीन्स कि ये अभी कुक नहीं हुआ। आप इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक कर सकती हैं। यहाँ पे जो मैं बॉल्स मैंने बनाए हैं मीडियम साइज़ के हैं, तकरीबन 15 मिनट लगे हैं मुझे इसको कुक करने में।
तो अगर आपके बॉल्स में क्रैक्स नहीं है तो आप इसे अच्छे से पका सकती हैं। 10 से 15 मिनट में ही आपकी लजीज सी रसमलाई तैयार होगी। 10 से 15 मिनट बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो इसके बॉल्स हैं वो हम निकाल कर सर्विंग डिश में रखते जाएंगे। इस तरह करके एहतियात से आप सारे बॉल्स निकाल लें और इसको डिश में रख लें, जो कि आपका सर्विंग डिश है तो आप इसमें रख लें। सारे के सारे बॉल्स हम निकाल कर सर्विंग डिश में रख लेंगे और जो दूध है तो इसमें हम केवड़ा वाटर या फिर केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन ये आप देख सकती हैं 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें केवड़ा वाटर ऐड किया। अगर एसेंस आप यूज़ कर रही हैं तो आप 3 to 4 ड्रॉप्स इसमें यूज़ कर सकती हैं। और इसके बाद जो हमने रसमलाई डिश आउट की थी तो इसके ऊपर जो सारा दूध था वो हम इसके ऊपर डाल लेंगे। इस तरह करके सारे का सारा दूध हम इसके ऊपर डाल लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ नट्स स्प्रिंकल करेंगे, जैसे कि बादाम, पिस्ते वगैरह। इस तरह करके बादाम और पिस्तों के स्लाइस हम इसके ऊपर डाल लेंगे। इससे पहले हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेने के बाद हम इसे कवर करके, याद रखें कि इसको सख्त होने से बचाने के लिए इसके ऊपर हम इस तरह करके कोई प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक शीट या कोई भी प्लास्टिक आप इसके ऊपर चढ़ा दें और इसको कम से कम आप ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दें। ओवरनाइट के लिए आप इसे फ्रिज में रखने के बाद सर्व कर सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट हमारी रसमलाई तैयार होगी, जो कि बिल्कुल अंदर तक पकी हुई होगी और इसका जो जूस यानी कि जो मिल्क होगा वो इसने अंदर तक इसने जज्ब कर लिया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रसमलाई बनती है। आप इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।